हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि यूपीएससी, एमपीएससी, अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, तो उसमें इंडियन पॉलिटी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इंडियन पॉलिटी से दिखाई देते हैं। अगर इंडियन पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस आपने करेक्ट कर लिए तो फिर आपके एग्जाम क्लियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इंडियन पॉलिटी का ये जो सबसे पहला चैप्टर है हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज भारत का संविधान, उसका ये एक बेसिक पार्ट है। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है ना, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है उसमें कौन सी चीज है हम लोग ने ब्रिटिश टाइम की ली है, वो आपको सही ढंग से पता चलेगी और एक ओवरऑल सिक्वेंस आपको समझ में आएगी कि किस तरह से लॉ बिल्ड हो चुके हैं हमारे देश में। दिस वीडियो लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी Myself किरण दोरगे एंड यहां पे मैंने मेरे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस मेंशन किए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट अवर वेरी फर्स्ट चैप्टर। यहां पे हम लोग देखने वाले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर ये चैप्टर देखते हो ना तो ये ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हो। कुछ किताबों में मॉडर्न हिस्ट्री में ये चीज पढ़ाई गई है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर में जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो ये चैप्टर ले लेते हैं इनिशियल टाइम में। अगर ऐसा नहीं तो पॉलिटी, आपका जो इंडियन पॉलिटी है या फिर जो आप संविधान पढ़ने वाले हो उसका एक बिगिनिंग वाला चैप्टर हो जाता है। यहां पे आपको एक पूरी आइडिया मिल जाती है कि हमारा संविधान किस तरह से फ्रेम किया गया था और इसका एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको समझ जाता है। यहां पे हमें एक बात समझ के लेनी है, ये जो वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रही है, ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी की, इसमें हम लोग लक्ष्मीकांत ये बेसिक किताब यूज करने वाले हैं। स्टडीज वाला जो बेसिक मटेरियल है दैट विल बी लक्ष्मीकांत। तो हम लोग ये ओवरऑल लिंक करके देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो एग्जैक्टली कहां से पूछे गए, तो अल्टीमेटली आपका जो पढ़ाई होगा वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में होगा, रैंडम पढ़ाई आपका नहीं होगा। क्योंकि कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपका जो प्रिपरेशन होता है ना वो उल्टा प्रिपरेशन होना चाहिए। मतलब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चन उन्होंने पूछे है, उसके हिसाब से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो तो सर्टनली आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि आपको उनका एक ओवरऑल ट्रेंड पता होता है कि कौन से डायरेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स में से कौन से फेवरेट पार्ट्स है जिसके ऊपर वो हमेशा फोकस दे रहे हैं। क्योंकि आप आगे जाके एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हो कि नहीं, आईएएस की एग्जाम दे रहे हो आप, पुलिस सर्विस में जाने वाले हो, रेवेन्यू में आप जाने वाले हो, बड़ी बड़ी पोस्ट आप हैंडल करने वाले हो, तो ऐसे स्पेसिफिक टाइम पे जो बेसिक चीजें होती है कॉमन जनरल इंपॉर्टेंस की वो आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर आप देखते हो तो सबसे पहला जो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सबसे पहला वाला जो फेज होता है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, है कि नहीं। एंड अगर आप देखते हो तो जितने भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी, एमपीएससी, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो मेजर एलिमिनेशन आपको प्रिलिमिनरी स्टेज में दिखता है। बहुत कम बच्चे प्रिलिम क्लियर कर पाते हैं और उसके बाद वो मेंस में जाते हैं। अगर आप कोई भी पर्सन का इंटरव्यू सुनते हो ना जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स क्लियर किए हैं, कोई भी एग्जाम जो भी कैंडिडेट ने क्लियर किया है उनका हमेशा फोकस होता है कि वो पहले प्री क्लियर कर ही लेते हैं। उनके पास वो स्ट्रैटेजी होता है, उनका जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है, स्टैटिक पोर्शन का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो कभी चेंज नहीं होने वाली है उसको वो रट्टा मार लेते हैं, दिमाग में फिक्स कर लेते हैं, उसके ऊपर के सारे क्वेश्चंस उनको याद होते हैं। उसकी वजह से उनका स्टैटिक का कोई भी सवाल कभी गलत नहीं होता या फिर वो बहुत एक्यूरेसी के साथ उसको एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं। एंड इसकी वजह से उनके प्रीलिम क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। If you are also dreaming to clear the exam, then आपकी prelim की strategy best होनी चाहिए। ये जो lecture आप देखने वाले हो, देखो mark my words, ये video जैसे ही आगे proceed होते जाएगा आपको बहुत सारी चीजें सही ढंग से पता चल जाएगी। हम लोग prelim aspect भी देखने वाले हैं और इसमें मुख्य परीक्षा में आपको जो भी सवाल पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग focus करने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज मैंने की है, ये जो video या फिर ये जो notes मैंने prepare की है, जब भी मैं civil service के इसके लिए पढ़ रहा था तो वो टाइम पे दिक्कत होती थी कि लक्ष्मीकांत किस तरह से पढ़े, बहुत बड़ी किताब होती थी, बल्कि किताब होती थी, रिवीजन किस तरह से करे। तो इसके लिए मैंने इसके प्रॉपर एक बार नोट्स बना दिए, उसमें बहुत सारे एडिशंस किए और ये मेरे जो नोट्स हैं वो बहुत सारे बच्चों ने यूज भी किए जिसमें आपके सिलेक्टेड लोग भी है। तो एनीवेज ये जो नोट्स है इससे आपको फायदा क्या होने वाला है, आपको प्रीलिम पर्सपेक्टिव एक शॉर्ट में पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन से पॉइंट के ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से चीज के ऊपर वो स्ट्रेस करते हैं। दूसरा, मुख्य परीक्षा में आपको आंसर लिखना होता है तो सर्टनली वर्ड लिमिट्स का ध्यान आपको रखना पड़ता है। आपको 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, जो भी वर्ड्स यूपीएससी डिसाइड करती है, या फिर अगर आप स्टेट सर्विसेज में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द स्टेट सर्विसेज तो अभी ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो चुकी है,
लेकिन वो टाइम पे भी अगर आपके पास क्रिस्पी नोट्स है जो एग्जैक्टली पॉइंट पे बात करते हैं, अगर आपके पास ऐसा रेडीमेड कुछ मटेरियल है तो उसको छोड़ना मत। ये आप नोट्स देख लो, मजा आ जाएगा आपको। ये नोट्स के बाद कोई भी किताब आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड पढ़ो आपको आसान लगने लगेगी। एंड ये वीडियो के बाद अगर आप देखते हो ना तो बहुत सारी चीजें आपके ब्रेन में फिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आप एग्जाम में देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में देखोगे, आपके वो इजीली बनने वाले। दैट इज अ पर्सनल एश्योरेंस फ्रॉम माय साइड। अभी यहां पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो 1600 ये एक ड्यूरेशन था जहां पे ब्रिटिश ट्रेडर्स इंडिया में आए। तो जब भी ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईआईसी, ऐसा मैं शॉर्ट फॉर्म इसको यूज करूंगा, ईआईसी, इसको हम लोग बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इंडिया में आई। तो जब ये भारत में आई थी तो इनके पास कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स थे ट्रेडिंग के, और ये जो राइट्स उनको दिए थे वो चार्टर ग्रांट किया जाता है क्वीन एलिजाबेथ वन की तरफ से। तो सर्टनली देखो, आपके पास एक ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो आपकी ब्रिटेन में है, वहां से रेगुलेट किया जाएगा अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखते हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेगुलेशन जो चलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे जाके जो कंट्रोल करने वाली है, वो जो मेन बॉडी आगे जाके बनेगी, दैट विल बी योर ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखते हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये इंडिया में आई थी और ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी व्यवहार करने थे उनके एक ओवरऑल अधिकार उनको मिले थे। अभी अगर आप देखते हो 1765 ये ड्यूरेशन में उनको दीवानी राइट्स भी मिले थे। दीवानी वर्ड का मतलब क्या होता है? राइट्स ओवर रिवेन्यू, है ना। मतलब अगर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ चुकी है तो सर्टनली उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किया था। मतलब अगर आप देखते हो तो टैक्सेस ये उन्होंने लेना स्टार्ट किया था लोकल लोगों से। तो रेवेन्यू के ऊपर के जितने भी राइट्स है वो उनको मिले थे, एंड सिविल जस्टिस से रिलेटेड जो भी राइट्स है वो उनको मिले थे, जिसको बोला जाता है दीवानी राइट। लेकिन अगर आप देखते हो तो ये दीवानी राइट्स कौन से प्रदेश के उनको मिले थे, तो उसमें आप देखते हो तो उनको बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, ये तीन जगह के राइट्स उन्हें मिले थे। अगर आप देखते हो तो वो टाइम का बंगाल प्रोविंस आज का जो हमारा वेस्ट बंगाल है ना उससे काफी बड़ा था। आज का जो बांग्लादेश है वो भी इसमें इंक्लूड था और बहुत सारी चीजें भी थी। बिहार भी अगर आप देखते हो तो बिहार प्रोविंस भी वो टाइम पे बड़ा था। ओडिशा भी अगर आप देखते हो तो कंपेरेटिवली ये बड़ी चीजें थी। आज तो लाइक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वगैरह हो चुका है लाइक आफ्टर अवर इंडिपेंडेंस, लेकिन बिफोर अगर आप इंडिया कंसिडर करते हो तो वो कंपेरेटिवली बड़ा था, जिसमें आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान वगैरह भी आता है कि नहीं। तो अगर आप देखते हो तो 1765 तक तो लाइक इनको एक दीवानी के अधिकार मिल चुके थे। अभी अगर आप देखते हो तो 1858 में एक सिपाही म्यूटिनी हुई थी, है कि नहीं। तो एक बड़ा एक संग्राम स्टार्ट किया था हमारे देश के लोगों ने। तो सर्टनली जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो तो टेंशन में आएगी कि यार अगर हम लोग पूरा चीज अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में देंगे और सही ढंग से अगर ऑपरेट नहीं होगा तो फिर क्या। तो फिर 1858 ये जो ड्यूरेशन था तब से लेके August 15, 1947 जब तक हमारा इंडिपेंडेंस हो रहा था, तब तक गवर्नेंस की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी की सारी ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ली थी या ब्रिटिश ने ली थी। अभी अगर आप देखते हो तो हमारा जो एक फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें एम एन रॉय ये एक इंपॉर्टेंट नाम है। अभी एम एन रॉय है, इनको पायनियर ऑफ अ कम्युनिस्ट मूवमेंट ऐसा भी बोला जाता है इन इंडिया, एंड ये रेडिकल डेमोक्रेटिज्म को एडवोकेट करते थे। मतलब डेमोक्रेसी के बारे में इनका बहुत ज्यादा एक फेवरिज्म था और इसको बहुत बड़े लेवल पे वो सपोर्ट करते थे। अभी क्वेश्चन ये आता है कि एम एन रॉय इन्होंने सजेस्ट किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। अभी यहां पे जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं ना, डोंट टेक अ टेंशन, धीरे धीरे जैसे ही चैप्टर प्रोसीड होते जाएगा मैं सारे सारे वर्ड्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो अगर आप बिगिनर हो, अगर आप फ्रेशर हो, तो भी आपको कोई भी दिक्कत 100% नहीं होने वाली है। तो यहां पे इन्होंने एक बात बोली थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलाई जाए या फिर बनाई जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है ओवरऑल अगर आप आज के प्रेजेंट जमाने में देखते हो तो आपके पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है ना, जिसमें आपके पास लोकसभा है, राज्यसभा है, आपके पास प्रेसिडेंट है। तो ओवरऑल ये जो सेटअप है ये करने के बारे में उन्होंने एक सुझाव दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। लेकिन अभी जो जो चीज है वो थोड़ी सी ज्यादा एलाबोरेटेड टर्म्स में है, उन्होंने जो बोला था वो थोड़ी सी संक्षिप्त में बताई गई थी। तो उन्होंने 1934 में एक सुझाव दिया था। तो 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारतीय संविधान है वो फाइनली बन के रेडी हो गया। और ये फिर हम लोग तब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोग यूज करते। तो एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं पूरी दुनिया में है। क्यों, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स है। एक स्पेसिफिक चैप्टर ये कि व्हाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी यहां पे हम लोग का जो ओवरऑल फोकस होने वाला है वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के ऊपर होने वाला है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो कहां से शुरू हुई। तो यहां पे हम लोग देखने वाले हैं कंपनी रूल के बारे में हम लोग बात करेंगे।
तो यहाँ पे देखो 1773 से लेके 1858 ये जो ड्यूरेशन था ना, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये ऑपरेट कर रही थी जो इंडियन के जितने भी प्रोविंस या जितने भी भाग थे उनको। तो यहाँ पे देखो रेगुलेटिंग, अभी अगर आप देखते ना 1773 से लेके 1858 तक जितने भी मोस्टली एक्ट है वो रेगुलेटिंग काइंड ऑफ एक्ट थे, रेगुलेट करने वाले। अभी थोड़े टाइम के बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर एक्ट, रेगुलेशन एंड प्रॉपर एक्ट के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़े टाइम के बाद हम लोग इसमें बात करने वाले। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ चीजें बहाल की थी, जैसे कि कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रिकॉग्निशन ऑफ अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फाउंडेशन ऑफ अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप देखते हो तो ओवरऑल जितने भी प्रोविंसेस थे हमारे देश में उसको एक सेंट्रल सिस्टम के हिसाब से वो लोग चलाने की कोशिश कर रहे थे, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में वो बात कर रहे थे। लेकिन बाद में जाके हम लोग देखेंगे ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तोड़ के वो अलग अलग प्रोविंस के ऊपर डिसेंट्रलाइज करने के बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स है, स्टेप बाय स्टेप आप सीखने की कोशिश करो, मजा आ जाएगा आपको, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें कौन से फीचर्स है, और यहाँ पे आपको लाइक पहले जो एमसीक्यूज ये जो पार्ट है इसमें से पूछे जाते थे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, तो यहाँ पे एक पोस्ट जिसका नाम है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल ये एक बड़ा प्रोविंस था वो टाइम पे। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स ये थे, ये नाम आपको पता होना चाहिए, विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ फोर मेंबर्स। तो ये गवर्नर जनरल थे और उनको सबऑर्डिनेट ये चार लोग थे, ये चार लोग उनको हेल्प करेंगे। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चार मेंबर्स थे। अब ये चार लोगों का इलेक्शन कैसे होता था इसके बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करनी है, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड मच रिलेटेड टू अवर सिलेबस, इसके डेप्थ में यूपीएससी आपको नहीं पूछेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी चीजों को डील करना स्टार्ट करते हैं और पीएचडी लेवल पे आपकी पढ़ाई होती है। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि एग्जाम है, इमोशनली मत लो। अगर आप इमोशनली लोगे, पीएचडी करने की कोशिश करोगे हर एक लाइन के ऊपर, तो सिलेबस आपका खत्म नहीं होगा। एग्जाम को एग्जाम की तरह देखो, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो मुझे आना चाहिए, दैट इज माई अल्टीमेट मोटो। नॉलेज तो हमें लेना ही है, लेकिन हमारा जो पढ़ाई होगा वो स्ट्रिक्टली हमें ये जो एग्जाम है उसके हिसाब से ही रखना है, बहुत ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता, ये एक चीज आ गई। आप देख रहे हो जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है, तो उसका सीट राइट नाउ इट इज इन दिल्ली, लेकिन जो सबसे पहले ये जो रखा गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था वो कोलकाता में किया गया था, बिकॉज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके जो पूरे रूट्स थे वो आपको दिखाई देंगे बंगाल में थे। तो यहाँ पे आप अगर आप देखते हो तो इनका एक चीफ जस्टिस था, वन चीफ जस्टिस, और यहाँ पे तीन जजेस थे, है ना। राइट नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस है, हाई कोर्ट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। उसका एक अलग चैप्टर ही होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसमें हम लोग सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। हाई कोर्ट के बारे में सीधा डायरेक्टली बात करेंगे, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बाद में बात करने वाले हैं। अभी अगर आप देखते हो तो वो टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी मतलब आज का जो मुंबई आप बोलते ना वो, लेकिन उतना ही नहीं भाई, उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन था जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और लाइक प्रेजेंट कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उसमें से भी बहुत सारी चीजें थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये जो सारी चीजें थी वो सबऑर्डिनेट थी कोलकाता के, मतलब कोलकाता एक मेन था उसके नीचे ये थी। ये क्यों किया, बिकॉज ये सेंट्रलाइज सिस्टम करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि कोलकाता सबको कंट्रोल करेगा या उसके ऊपर एक ओवरऑल देखरेख करने का काम जो होगा वो कोलकाता से किया जाएगा। अगर आप देखते हो ना तो जब कोई भी एक कंपनी वो टाइम पे कोई दूसरे प्रदेश में जाके जब भी ट्रेड कर देती, तो वहां पे एक चीज हमेशा देखी जाती थी कि वहां की कंपनी के जो सर्वेंट्स होते थे वो प्राइवेट ट्रेड भी कर लेते थे अपना, है ना, और ब्राइब भी लेते थे, गिफ्ट्स भी लेते थे। तो ये चीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर करप्शन कंपनी में फैल गया तो फिर उसको कंट्रोल कर पाना लेटर स्टेज में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर ये जो आपका एक्ट था इसमें ये जो चीज थी ये बताई गई थी। तो अभी अगर आप नेक्स्ट चीज देखते हो तो इन्होंने कंट्रोल स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लिए थे। अभी देखते हैं कि वो स्टेप्स कौन से है। यहां पे इंपॉर्टेंट स्टेप्स मतलब रिवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर के ऊपर का कंपनी का जो होल्ड था वो स्ट्रांग करवा के दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है अगर आप देखते हो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो अभी 1784 में ऐसी कौन सी चीजें थी जो उन्होंने बताने की कोशिश की या इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया था। तो अगर आप देखते हो तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो यहां पे
इट डिस्टिंग्विश कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ अ कंपनी, क्योंकि कंपनी के जो ओवरऑल वर्किंग था उसमें पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन पहले के केस में ओवरलैपिंग था, मतलब एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी चीज पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आएगी कौन सी चीज कमर्शियल एस्पेक्ट में आएगी वो। लेकिन पीट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का था उसमें तो चीजें क्लियर कर दी गई कि भाई अभी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कमर्शियल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट किस तरह से होना चाहिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए जो कमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेंगे। देखो अभी दो बॉडी हो गई है कि नहीं, सबसे पहले एक ही बॉडी था, सेंट्रलाइज सिस्टम थी, अभी सिस्टम सेंट्रलाइज है। लेकिन अभी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट आ गए। अभी यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले लोग है इनको अभी कौन सी चीजें एम्पावर की गई, उनको कौन से अधिकार दिए गए। तो सबसे पहले ये सुपरवाइज कर सकते थे एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री, एंड उसके बाद रिवेन्यू जो है जो ब्रिटिश पोजेशन है उसका ये रिवेन्यू भी देख रहे थे। अभी देखो ब्रिटिश पोजेशन ये वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया गया, इसके पहले ब्रिटिश पोजेशन ये वर्ड यूज नहीं किया गया था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन अभी देखो इनको कितना कॉन्फिडेंस आ गया, अभी ये ब्रिटिश पोजेशन बोल रहे थे बिकॉज वो टाइम के जितने भी फिर हमारे जो लोकल्स है उनके ऊपर उन्होंने प्रॉपर डोमिनेंस रखा था और वो स्ट्रांगली बता सक रहे थे। दूसरा कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स, तो ये एक ओवरऑल चीज थी जो आपका जो पीट्स इंडिया एक्ट है इसमें ये बताया गया था 1784 का। अगर आपको 3 से 4 पॉइंट्स पता है पीट्स इंडिया एक्ट के तो फिर आपका जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके हो जाते हैं। मोस्टली देखो इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपको पूछे जाएंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड क्रिएटेड बोर्ड ऑफ अ कंट्रोल, तो पॉलिटिकल एंड कमर्शियल अफेयर सेपरेट किए गए। तो मोस्टली ये जो नियरेस्ट वाली जो चीजें होती है, देखो अभी 1773 और 1784 ये नियरेस्ट वाली लगती है, तो एलिमिनेशन के लिए बच्चों को भी दिक्कत आती है क्योंकि कभी कभी याद नहीं रहता कि 1773 में ये सेपरेट किया गया था 1784 में सेपरेट किया गया था। तो ये पहला कंफ्यूजन वाला जड़ वो आपके दिमाग में डाल देते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसमें कौन सी महत्वपूर्ण चीज है उन्होंने बताई थी। तो अगर आप देखते हो तो सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया इसके बारे में बात कर रहे थे, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया। देखो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये पद आया, उसके बाद अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अभी गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया इनके पास कौन से अधिकार थे, तो सिविल से रिलेटेड मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी पावर थे वो उनके पास थे। अभी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर आप देखते हो तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ये थे। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये नाम आपको पता होना चाहिए, आप नहीं भूलना चाहिए। अभी यहां पे देखो कौन से चीजें थी जो इसके अंडर आती है, सो डिप्राइव्ड गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे मद्रास लेजिस्लेटिव पावर्स, तो ये कुछ चीजें है। उसके बाद प्रीवियसली जो लॉस थे उसको रेगुलेट किया गया। अभी अगर आप देखते हो तो जो प्रीवियसली लॉस थे उनको रेगुलेशन एक्ट बोला जाता था, लेकिन अभी वाला जो एक्ट है इसको एक्ट प्रॉपरली बोला जा रहा है ना, मतलब पहले तो रेगुलेट कर रहे थे अभी ये एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका जो नेचर था वो कमर्शियल से अभी ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ अ सिविल सर्वेंट ये बात यहां पे आई। इंडियंस अलाउड इन ऑफिस एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी, अभी ना यहाँ पे जो इंडियंस जो थे इनको भी सिविल सर्विसेज के लिए ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन इनका जो ओवरऑल एक रेगुलेशन था ये भी लेकिन इनके हाथ में था। तो मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है या फिर जो बाकी के लोग हैं वो सही ढंग से बताएंगे कि मतलब इससे रिलेटेड जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या होगा। अभी अगर आप देखते हो तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है दैट इज अ चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अभी यहां पे देखो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इनको सेपरेट किया गया, तो सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ अ गवर्नर जनरल काउंसिल एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां पे देखो कौन सी चीजें जिसके बारे में उन्होंने बात किया है, इसको मिनी पार्लियामेंट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 6 नए मेंबर्स को ऐड किया गया जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स ऐसा बोला जाता है। यहां पे एक कमेटी इंट्रोड्यूस की गई थी जिसको बोला जाता है मैक्यूले कमेटी फॉर इंडियन सर्विसेज 1854। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, फर्स्ट सिविल सर्वेंट कौन थे इंडिया के, बहुत सारे बच्चों को पता होगा आंसर, जिनको नहीं पता है प्लीज सर्च करना, ठीक है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए आप पढ़ रहे हो, अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले, तो जो सबसे पहला पर्सन कौन है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, कुछ चीजें आपको भी ढूंढनी है। एक्सटेंड कंपनीज रूल विदाउट स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर पीरियड, तो यहां पे देखो 1850 यहां पे अगर आप देखते हो तो ये 1833 के बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया दैट इज 1853। अभी 1853 में बहुत सारी चीजें वो अभी एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि 1857 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट भी होने वाला है।
सो एक्सटेंडेड कंपनीज रूल विदाउट स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर पीरियड, तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि कंपनी रूल कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम। तो यहाँ पे मतलब जो कंपनी है, अभी ब्रिटेन गवर्नमेंट को भी एक चीज ध्यान में आ रही थी कि लाइक इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी उनकी कॉलोनी है, वहां से बड़े लेवल पे वो बिजनेस आगे बढ़ा सकते क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत अच्छा रॉ मटेरियल का एक सोर्स था। तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में अगर सब कुछ दे देंगे तो आगे जाके करप्शन हो सकता है, या फिर अगर यहाँ के लोगों ने बड़े लेवल पे अगर कुछ आगे जाके रिवॉल्ट किया, जिसकी संभावना अभी तो उनको नहीं लग रही थी, लेकिन अगर ऐसा कुछ किया तो फिर ऐसे स्पेसिफिक केस में ओवरऑल जो होल्ड है ब्रिटेन का वो नहीं छूटना चाहिए। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन अलाउ किया गया था, दैट इज इंडियन को एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लिया जा सकता था। तो सिक्स न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर जो थे उसमें से चार लोकल थे। तो लोकल प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट था, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल, यहाँ पे देखो आगरा ये एक नया आप देख रहे हो। सबसे पहले मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, ये तीन प्रेसिडेंसीज थी, अभी अगर आप देखते हो तो एक फोर्थ नया एड हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अ आगरा। अभी अगर आप देखते हो तो एक बहुत सारी चीजें आपको अभी से चेंज होने को देखने मिल सकती है। सबसे पहले देखो ये क्राउन रूल आया 1858 से लेके 1947, मतलब डायरेक्ट अभी ब्रिटेन गवर्न करेगा इंडिया को। अभी ये क्यों आया हमें सर्टनली पता है, एक सिपॉय म्यूटिनी हुआ था 1858 का रिवॉल्ट, ये एक पहला स्वातंत्र संग्राम माना जा सकता है, और इनकी वजह से या ये जो संग्राम हुआ था ब्रिटिश जो थे वो पूरी तरह से हिल गए थे कि लाइक इतना बड़ा संग्राम कैसे हो सकता है। अभी यहाँ पे देखते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये चीज आई, तो अभी इसमें क्या है, ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इनको एबोलिश कर दिया गया, जो पावर्स थे वो सर्टनली ट्रांसफर किए गए गवर्नमेंट को, और यहाँ पे टेरिटरीज या फिर जो रिवेन्यू से रिलेटेड जो बातें हैं वो अभी डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन देखेगा। अभी अगर आप देखते हो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये जो पद था वो हटा दिया गया, और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया ये एक नया पद इंट्रोड्यूस किया, और जो फर्स्ट वॉइस रॉय थे उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग, ये फर्स्ट वॉइस रॉय है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, यस याद करो अभी अभी आपने बोला है गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे, नाम याद करो अभी अभी आपने किया है। वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन है, अभी अभी हमने देखा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अभी अगर देखते हो तो यहाँ पे जो डबल गवर्नमेंट वाली सिस्टम थी है ना, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए अलग से चल रहा था, रिवेन्यू अफेयर्स के लिए अलग से चल रहा था, अभी अभी हम लोग ने देखा उसको अभी हटा दिया गया, जो चीज थी अभी ये एंडेड सिस्टम ऑफ अ डबल गवर्नमेंट एंड बोर्ड ऑफ अ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ अ डायरेक्टर्स, इसको हटा दिया गया, क्योंकि अगर आप वॉइस रॉय ये एक नई चीज लेके आ रहे हो तो बहुत सारे नए रिफॉर्म्स भी आपको लेके आने पड़ेंगे यहाँ पे। सो क्रिएटेड सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट फॉर इंडिया, तो ये एक और एक चीज आई, दैट इज अ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट फॉर इंडियन पोर्शन, ये एक हो गया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी जिसमें मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट हो सकते थे एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ये डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिलेटेड था और ये रिस्पॉन्सिबल थे। तो यहां पे एक फिफ्टीन मेंबर काउंसिल एस्टैब्लिश किया गया, ये जो सेक्रेटरी थे उनको असिस्ट करने के लिए, और ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह भी काम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एस्टैब्लिश किया गया था तो ये एक कॉर्पोरेट बॉडी के जैसा एक एक्ट करेगी, कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड। सू वर्ड का मतलब क्या होता है ना, मतलब मान लो कि कोई ऐसा नॉन क्रिमिनल वर्क है या क्राइम नहीं हुआ है, लेकिन मान लो कि कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें आपकी फसवणूक हो चुकी है, या फिर अगर आप देखते हो कि आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, आपकी प्रतिमा हनन की जा रही है, ऐसी अगर कोई चीजें होती है ना, तो आपने देखा होगा मूवीज में देखा होगा आई विल सू यू इन अ कोर्ट, है ना, मतलब आप क्या करोगे कि लीगल एक्शन लोगे, तो सू वर्ड का मतलब ये होता है। तो अभी ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, अभी ये एक कॉर्पोरेट बॉडी की जैसे एक्ट करेगी, अगर कुछ इश्यूज इंडिया में दिखाई देते हैं तो फिर ये इंडिया में भी सू कर सकते हैं या ये इंग्लैंड में भी सू कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडिया में बजट इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में, तो देखो बजट के बारे में अभी बात हो गई 1860 में। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट एक्ट, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अभी अगर आप देखते हो ना तो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसकी वजह से ब्रिटेन की जो सरकार थी वो पूरी तरह से हिल गई थी, मतलब अरे ये क्या हो गया, इतना मतलब एक बड़ी कॉलोनी है, अगर वो हाथ से जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि जो इंडियंस की धार्मिक भावनाएं थी वो उन्होंने उसमें इंटरफेयर किया था जो नहीं करना चाहिए था, तो डेफिनेटली जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने मिस्टेक से सीखते थे, तो उन्होंने भी सीखा। तो अभी जो आगे जाके जो लॉ बनेंगे या एक्ट बनेंगे उसमें उन्होंने क्या किया, वो टाइम के जो
इंडिया में जो प्रोविंसेस थे वहां के जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज थी उन्होंने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको लेने की कोशिश की। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग, वो टाइम के जो वॉइस रॉय थे, उन्होंने 3 इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट किया, लेकिन ये जो 3 मेंबर्स थे वो नॉन ऑफिशियल थे। तो अगर आप देखते हो तो इसमें कौन वो 3 लोग थे, तो सबसे पहला था राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, तो ये लोग इसमें शामिल थे। अभी देखो यहाँ पे क्या था, ये तो ये एसोसिएट कर रहे थे, मतलब अगर इंडिया से रिलेटेड जितने भी लॉज बनाने हैं तो सर्टनली इंडियंस का पार्टिसिपेशन उसमें होना जरूरी था, लेकिन जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने मतलब ऑफिशियली उनको नहीं लिया था, लेकिन ये एक नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने एक सेंट्रलाइज सिस्टम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हैंडल करना डिफिकल्ट था, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट में उन्होंने देखा था, क्योंकि इतने बड़े ओवरऑल पोर्शन के ऊपर अगर कुछ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है तो कंट्रोल कैसे करोगे आप, तो डिसेंट्रलाइज करो। तो जितने भी प्रोविंसेस थे जैसे कि बॉम्बे मद्रास, तो यहाँ पे एक रिस्टोर किया गया पावर्स को, रिजल्टेड इन अ ग्रांट ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस, और ये 1937 में दी गई थी, जो आप आगे जाके देखने वाले हो, आगे का जो 1935 का एक्ट होगा उसमें हम लोग ये देखने वाले। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंसेस, पंजाब, तो ये 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ओपन की गई 1862 में, 1866 में एंड 1897 में रिस्पेक्टिवली। एम्पावर्ड वाइसरॉय टू मेक रूल्स ऑर्डर्स, और यहाँ पे अभी एक पोर्टफोलियो सिस्टम आई, पोर्टफोलियो सिस्टम के हिसाब से मतलब वाइसरॉय के काउंसिल्स में जो मेंबर्स है वो अभी कुछ ऑर्डर्स जारी कर सकते थे थ्रू हिज डिपार्टमेंट। सो वाइसरॉय इशू ऑर्डिनेंसेस कर सकते थे विदाउट कंसर्न ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग इमरजेंसी, और ये 6 मंथ तक लागू होती है। ऑर्डिनेंस मतलब अगर कुछ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है तो ऐसे टाइम पे वाइसरॉय जो है वो ऑर्डिनेंस के हिसाब से ओवरऑल चीजों को मैनेज कर सकते हैं, या फिर लॉ ऑर्डर का जो भी एक ओवरऑल सिनेरियो है उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्ट है दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अभी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ये एक इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है ये हमें देखना है। अभी अगर आप देखते हो ना तो 1892 ये जो ड्यूरेशन है सर्टनली 1885 के बाद आया था। 1885 में एक मेजर इवेंट हुआ था अपने देश में, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बनाई गई थी। उसका फर्स्ट सेशन हुआ था, कहां पे हुआ था, ठीक है आपके लिए क्वेश्चन है आप ये ढूंढो। अभी देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने के पीछे ब्रिटिश की एक वजह थी, सो दैट जो ओवरऑल कम्युनिकेशन लाइक ब्रिटिश और इंडिया या इंडियन लोगों में एक कम्युनिकेशन करने के लिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो अभी देखो 1892 में उन्होंने सेंट्रल प्रोविजनल काउंसिल्स के नंबर्स बढ़ाए, इंक्रीज फंक्शंस ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो कुछ फंक्शन जो थे वो अभी बढ़ाए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के। इसमें सबसे पहला है कि ये लोग बजट डिस्कस कर सकते थे एंड उसके बाद क्वेश्चंस पूछ सकते थे एग्जीक्यूटिव को। देखो इसके पहले बजट के ऊपर डिस्कशन नहीं होता था, जो भी था वो ब्रिटिश लोग निर्णय लेंगे, वॉइसरॉय निर्णय लेंगे और वो फुल एंड फाइनल होगा। नॉमिनेशन ऑफ अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय वॉइसरॉय, तो वॉइसरॉय जो थे वो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते थे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ सर्टन बॉडीज, लेकिन ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनका जो रोल था वो लिमिटेड था और इनडायरेक्ट था। सो प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम नॉन ऑफिशियल सीट्स इन बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सेंट्रल लेवल से चीजें मैनेज हो रही थी, एट द सेम टाइम जितने भी प्रोविंसेस थे अपने देश में वहां पे भी चीजें मैनेज करनी थी। तो सेंट्रल प्रोविजंस के सेंट्रल लेवल के जो भी नॉन ऑफिशियल सीट्स है उसके लिए इलेक्शन के लिए फाइल किया जा सकता है और प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसके लिए भी फाइल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखो कि इलेक्शन वर्ड जो है वो ऑफिशियली अभी तक यूज नहीं किया है उन्होंने। 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अभी के बाद जो हम लोग 4 एक्ट पढ़ने वाले हैं ना, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 और उसके बाद 1947 में जो एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना था उसके बारे में हमें सही ढंग से पता होना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपका एक ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अभी वर्क करना स्टार्ट करेगा। दूसरी चीज, इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस आप प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम में हमेशा देखोगे। अभी यहाँ पे देखो ब्रिटिश ने क्या किया था, या ओवरऑल ब्रिटेन गवर्नमेंट में इंडिया में एक ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 पोस्ट बनाई थी, एक था वॉइसरॉय और दूसरा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
तो मोरले मिंटो ये दो लोग थे, है ना। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता मोरले मिंटो एक पर्सन या दो पर्सन है। तो मोरले ही वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड मिंटो ही वॉज अ वॉइस रॉय। तो इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लेके आए और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो बहुत बड़ी चीजें आपको देखने मिलेगी। सबसे पहला इंक्रीज मेंबर्स नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 16 to 60। तो पहले 16 थे, अभी वो 60 कर दिए गए। नंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ये यूनिफॉर्म नहीं था, ये कितने भी नंबर हो सकते थे। ऑफिशियल मेजोरिटी तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में था, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में था। इंक्रीज फंक्शंस ऑफ बोथ मेंबर्स कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रिजोल्यूशन ऑन बजट एंड एटसेट्रा। तो ये सारी जो चीजें थी वो मेंबर्स को मिल गई थी। लेकिन अगर आप देखते हो तो ये एक फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ अ वॉइस रॉय और गवर्नर्स। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये फर्स्ट इंडियन थे और ये एक लॉ मेंबर के जैसा फिर आगे जाके एक्ट करने वाले थे। और ये जो सत्येंद्र प्रसाद थे वो एक मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ अ वॉइस रॉय एंड गवर्नर का। तो फर्स्ट टाइम इंडियंस को ये मौका मिला था और ये सर्टनली एक अच्छी बात थी हमारे लिए। अभी अगर आप देखते हो ना तो जो ब्रिटिश लोग थे ना वो डिवाइड एंड रूल ये पॉलिसी हमेशा उन्होंने फॉलो किया है। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम तो एक सेपरेट इलेक्टोरेट उनको दिया गया। तो मुस्लिम मेंबर्स के लिए इलेक्शन अगर है तो उसमें मुस्लिम वोटर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसको लीगलाइज कम्युनलिज्म बोला जाता है। कम्युनलिज्म मतलब जातीयवाद को फिर ये एक बढ़ावा देने वाली बात थी। और ये जो रिफॉर्म लेके आए थे इनका नाम था लॉर्ड मिंटो। तो लीगलाइज कम्युनलिज्म कौन लेके आए थे? लॉर्ड मिंटो। और इनको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ये चीज है, ये हमारे को पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रीलिम बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल डेटा है, हमें पता होना चाहिए। क्योंकि आगे जाके आप देखोगे जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें भी कैटेगरीज होती है, एक सिंगल करेक्ट वाला होता है फिर दूसरा मल्टीपल करेक्ट वाला होता है। तो मल्टीपल करेक्ट के लिए जब ऑप्शन एलिमिनेशन का टाइम होता है तो उसमें ऐसे फैक्ट्स अगर आपको सही ढंग से पता है तभी आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस को, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स को। तो देखो मतलब डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी आ गई। अभी देखो इसमें से अगर कोई भी मेंबर को अगर अपने देश में दूसरे लोग अगर अपोज करते हैं तो सर्टनली डिवाइड एंड रूल उनका जो फ्रेमवर्क था वो अप्लाई होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। और ये जो है लाइक एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में एस्टैब्लिश करने के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऐसे भी इसको बोला जाता है। मॉन्टेग्यू ये सेक्रेटरी थे इंडियन स्टेट के और चेम्सफोर्ड ये जो थे वो वॉइस रॉय थे। अभी इन्होंने कौन से रिफॉर्म्स लेके आए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रिलैक्स सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। तो ब्रिटिश इंडिया में लाइक बहुत सारे प्रोविंसेस भी थे अपने देश में, तो उनके ऊपर का जो कंट्रोल था वो थोड़ा सा रिलैक्स किया। सेपरेट सेंट्रल प्रोविंशनल सब्जेक्ट्स, सेंट्रल प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव ऑथराइज टू मेक लॉज ऑन अ सेपरेट लिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट्स, लेकिन गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड होगा, यूनिटरी होगा। अभी यहाँ पे देखो कुछ चीजें उन्होंने बोली है। दैट इज अ प्रोविंशनल सब्जेक्ट जिसको ट्रांसफर सब्जेक्ट्स भी बोला जाता है। दे सब्जेक्ट्स वेर एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड कुछ रिजर्व सब्जेक्ट्स भी थे जो गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल देख रहे थे। तो अभी आपके दिमाग में थोड़ा सा लाइट गिरा होगा, है ना। आज अगर आप इंडियन सिस्टम देखते हो तो आपके पास प्रेसिडेंट होते हैं, आपके पास लोकसभा होता है, आपके पास राज्यसभा होता है। ये अगर आप ओवरऑल नेशनल लेवल पे देखते हो तो स्टेट लेवल पे अलग चीजें होती है, फिर वहां पे गवर्नर होता है, विधानसभा होता है, कुछ स्टेट में विधान परिषद होता है ना। दैट इज अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि देखो ऊपर दो लोग बैठे हैं, एक तो आपका एक सेक्रेटरी बैठा है और दूसरा दैट इज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और दूसरा एक वॉइस रॉय बैठा है ना। तो वॉइस रॉय है और उसके साथ साथ उसको वर्क करने के लिए, हेल्प करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। आगे जाके यही चीज है हम लोग को यूज होगी कि अपने देश में जो ओवरऑल एक सिस्टम बना है ना, लाइक प्रेसिडेंट है अपने पास, फिर प्राइम मिनिस्टर है, दैट इज अ लोकसभा राज्यसभा है, वो किस तरह से बना, इसका एक बेसिक आइडिया अभी आपको मिल जाएगा। तो ये एक डायरकी सिस्टम के बारे में बात करते थे जिसको ड्यूअल गवर्नेंस बोला जाता है, लेकिन ये अनसक्सेसफुल था। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो बाय कैमरलिज्म ये एक चीज इंट्रोड्यूस की गई थी। ये एन गलती से आया है, यहाँ पे बाय कैमरलिज्म होता है, दैट इज अ डायरेक्ट इलेक्शन इन अ कंट्री। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल रिप्लेस बाय अपर हाउस, अपर हाउस दैट इज अ काउंसिल ऑफ अ स्टेट, और लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। अगर आज के हिसाब से मैं बोलूं तो अपर हाउस मतलब आपका राज्यसभा होता है, ये काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ना, और एक परमानेंट बॉडी होती है, इसके लिए इसको अपर हाउस बोलते हैं। लोअर हाउस ये लेजिस्लेटिव असेंबली होता है आपका जिसको आप लोकसभा बोलते हैं। लोअर हाउस क्यों बोला जाता है? बिकॉज 5 साल के बाद इलेक्शंस आते हैं ना, लोग चेंज होते रहते हैं और ये परमानेंट नहीं होता, इसको डिसोल्यूशन होता है।
सो इसमें से अपर हाउस एंड लोअर हाउस में से जितने भी मेंबर्स थे उनका जो इलेक्शन था वो डायरेक्ट इलेक्शन से हो रहा था। अब ये जो इलेक्शन भी हो रहा था लेकिन वो कम्युनल के हिसाब से हुआ था, जो कम्युनल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कम्युनलिज्म, लाइक मुस्लिम्स के लिए अलग होगा, दूसरे लोगों के लिए अलग होगा, तो ये सारी चीजें भी अभी उन्होंने बोली थी। 3 मेंबर्स इन अ वाइसराय काउंसिल्स आउट ऑफ 6 अदर देन द कमांड इन चीफ ये इंडियन हो सकते थे। अभी यहां पे अगर आप देखते हो तो सिख, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियन, इनको भी लाइक इलेक्शन में मौका मिल गया था। फ्रेंचाइज वर्ड का मतलब होता है वोटिंग करना, है ना, तो लाइक बेस्ड ऑन अ प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन, इसके हिसाब से फिर लोगों को वोटिंग के राइट्स मिल रहे थे। अभी अगर आप देखते हो तो वुमन को अभी तक वोटिंग के राइट्स दिए है या नहीं दिए है, है ना, ये देखना है हमें। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया था 1926 में, जिसमें सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया जा रहा था। ऑफिस ऑफ अ हाई कमीशन फॉर इंडियन इन लंडन ट्रांसफर्ड सम फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो सारी चीजें है वो आपको 1919 के एक्ट में दिखाई देने वाली है। सेपरेट प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम सेंट्रल बजट, अर्लियर कैसे होता था, एक बजट आता था 1860 में, इसको बजट को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अभी अगर आप देखते हो ना तो एक सेंट्रल बजट के जगह पे उन्होंने प्रोविंशियल बजट किए गए, सो दैट फंड को सही ढंग से यूज किया जा सकता था। सो ऑथराइज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू एनेक्ट ऑन इट। स्टैचुटरी कमीशन एक बनाया गया था जो इंक्वायर कर सकता था, रिपोर्ट कर सकता था आफ्टर 10 ईयर्स, जो ये लॉ जब भी बनाया गया था तभी। अभी अगर आप देखते हो तो 1919 में ये लॉ बनाया गया था, लेकिन 1927 में ही ब्रिटेन ने कमीशन भेजा कि अभी जो ये लॉ बनाया गया है वो सही ढंग से इंडिया में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो फिर क्या किए जा सकते हैं। तो साइमन कमीशन, तो एक 7 मेंबर स्टैचुटरी कमीशन था, तो इसमें सारे के सारे ब्रिटिशर थे, और यही एक प्रॉब्लम वाली दिक्कत थी। तो आपने हिस्ट्री में अपना जो 10th स्टैंडर्ड तक का हिस्ट्री आपने देखा होगा, तो उसमें आपने ये चीज देखी होगी कि लाइक साइमन कमीशन गो बैक, ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो बहुत सारे इंडियन लीडर्स जो थे वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि ये इंडियन से रिलेटेड था, लेकिन इंडियन मेंबर्स को ही उसमें नहीं लिया गया था, तो मतलब किस तरह से करोगे ना। सो 7 मेंबर स्टैचुटरी कमीशन था ये, जिसमें सारे ब्रिटिशर्स थे, और ये रिपोर्ट करने वाले थे कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जितने भी पार्टीज थी उन्होंने बॉयकॉट किया था जो इंडिया की थी। 1930 में ये रिपोर्ट लेके आए, जिसमें उन्होंने क्या क्या बताया, तो जो डायर की अभी इंट्रोड्यूस की गई थी उसको हटाने के बारे में इन्होंने बात किया, एक्सटेंशन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन अ प्रोविंसेस, तो जो प्रोविंसेस थे वहां पे भी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में ये लोग बात कर रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ अ ब्रिटिश इंडिया एंड अ प्रिंसली स्टेट एंड कंटिन्यूस ऑफ अ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो कम्युनल इलेक्टोरेट ये जो चीज थी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि जिस दिन इंडिया के सारे लोग यूनाइट होंगे उस दिन ब्रिटिश लोगों को वहां से भागना पड़ेगा। तो सर्टनली उन्होंने पॉलिसी यूज की थी डिवाइड एंड रूल, तो सर्टनली वो वर्क कर गई उनके लिए, बहुत साल तक वो उसके वजह से अपने देश पे राज कर रहे थे। फॉर दिस प्रपोजल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखी गई थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया, तो ये किया गया था उन्होंने। अभी यहां पे देखो और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड का मतलब क्या है, अगस्त 1932 रैमसे मैकडोनाल्ड वो टाइम के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक स्कीम लेके आया, वो दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर माइनॉरिटी। तो जो कम्युनल वाली जो चीज थी, कम्युनलिज्म वाली जो चीज थी, वो अभी और ज्यादा आने वाली थी अपने सिस्टम में। अभी इसमें इन्होंने क्या किया था, माइनॉरिटीज लाइक एससीज, उसके बाद मुस्लिम, सिख, इनके लिए एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे, और इसकी वजह से जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी थे, वो डिस्ट्रेस हो गए। उन्होंने एक फास्ट किया, लाइक फास्ट टिल डेथ, ऐसा उन्होंने बोला, और ये पूना के येरवड़ा तुरुंग में थे या जेल में थे, और उसके वजह से ब्रिटिश को इसमें कुछ चीजें मॉडिफाई करनी पड़ी। तो पूना पैक्ट में क्या किया गया था, एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। तो यहां पे एक चीज थी, दैट इज अ हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट, तो यहां पे सेपरेट रिजर्व सीट्स थी टू डिप्रेस क्लासेस। तो अल्टीमेटली एक मुद्दा था वो रह गया अपने सिस्टम में,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अभी मैं आपको एक ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है जो एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो माइनॉरिटीज होती है उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. अभी देखो 1947 के बाद तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन अपने देश में आप देख सकते हो, तो बहुत सारी ऐसी सीट्स होती है जो ओबीसी एससी एसटी ठीक है ये कैटेगरी के लोगों को होती है. तो अभी आपको जस्ट एक चीज बतानी है कि आज के जमाने में उसकी जरूरत है क्या, और जब आप इसके ऊपर कमेंट करोगे ना तो केयरफुली आपको कमेंट करना है. ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं तो आपका एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में दिखाई देते हैं, इंटरव्यू में आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ के पकड़ते हैं, क्योंकि यूपीएससी का या फिर स्टेट सर्विसेज के जितने भी लोग होते हैं उनका एक मानना होता है कि जो भी पर्सन सामने है वो एक न्यूट्रल एस्पेक्ट लेके बात करें. ठीक है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. दूसरा मैं एक बात पूछना चाहूंगा, रिजर्वेशन के ऊपर क्या ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है. ठीक है, और ये आंसर जब आप दोगे तो वो टाइम पे आपको एक बैलेंस्ड व्यू देना है. और ये क्वेश्चन पूछने के लिए ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वो डेफिनेटली आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है. लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो इसमें अगर आप देखते हो ना तो यहाँ पे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मोस्ट ऑफ द चीजें आपको दिखाई देगी. तो इसमें 321 सेक्शंस थे और इसमें टोटल 10 शेड्यूल्स थे. अब इसमें देखो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है. तो ऑल इंडिया फेडरेशन नॉट इफेक्टिव टू प्रिंसली स्टेट्स, तो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने के बारे में बात की गई थी. इसमें देखो फेडरल लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट थी और कॉन्करेंट लिस्ट थी. फेडरल लिस्ट ये जो थी इसमें सेंटर के बारे में ज्यादा बात होगी, जिसमें 59 टोटल आइटम्स है या 59 चीजों के ऊपर बात कर सकते थे. आज देखो ना, आज आपके पास यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, तो वैसे ही वो टाइम पे फेडरल लिस्ट बनाई गई थी. प्रोविंशियल लिस्ट जो प्रोविंसेस थे उनके लिए तो 54 आइटम्स थे इसमें, और कॉन्करेंट लिस्ट इसमें सेंटर और प्रोविंस से रिलेटेड मैटर्स थे तो 36 आइटम इसमें थे. तो इसकी जो ओवरऑल रिसीडरी पावर्स थी वो वॉइसराय को दी गई थी. नेक्स्ट आप देखते हो साइमन कमीशन ने बोला था कि डायरकी को हटा देना चाहिए, तो एबोलिश डायरकी एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. सो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में ये लोग बात कर रहे थे, और यहां पे गवर्नर को एडवाइस लेना होगा एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. लेकिन यहां पे अगर आप देखते हो तो 1937 से लेकिन 1939 ये दो साल ये चीज चली, उसके बाद इसको हटा दिया गया. नेक्स्ट देखते बायकैमरलिज्म. तो टोटल 11 प्रोविंसेस थे, उसमें से 6 प्रोविंसेस में बायकैमरलिज्म ये चीज आई, जिसमें बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम, यूनाइटेड प्रोविंस, जिसमें आज का यूपी और आई गेस उत्तराखंड भी आता है, ये एक बार आप चेक कर लो. तो जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था जिसको आप अपर हाउस बोलते हो, और लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी जिसको आप लोअर हाउस बोलते हो, बट विथ मेनी रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, आज अगर आप देखते हो ना जितने भी स्टेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आपको दिखाई देगा कि एक लोअर हाउस होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं ना, आप बोलते हो आमदार है, खासदार है ना. तो आमदार जो होते हैं ना वो मोस्टली आप स्टेट में देखते हो, और खासदार अगर आप देखते हो तो लोकसभा राज्यसभा में आपको दिखाई देते हैं. तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली वाला जो प्रोविजन है ना वो हमें 1935 के एक्ट से मिला है. लेकिन यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था जिसमें शेड्यूल कास्ट थे, वुमन थे एंड वर्कर्स थे. एबोलिश काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1851 में बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया और टीम ऑफ एडवाइजर्स. यहां पे जो वोटिंग वाले राइट्स थे वो 10% पॉपुलेशन को दे दिए गए थे. 1935 एक्ट की एक महत्वपूर्ण चीज थी दैट इज आरबीआई बैंकिंग सिस्टम. यहां पे एक बनाई गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एस्टैब्लिशमेंट हुआ था टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ अ कंट्री. यहां पे उन्होंने पब्लिक सर्विसेज कमीशन बनाया, फेडरल सिस्टम के लिए बनाया, प्रोविंशियल सिस्टम के लिए बनाया, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी उन्होंने बात की. एक फेडरल कोर्ट उन्होंने सेटअप किया था 1937 में. नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण एक्ट है दैट इज द 1947 का एक्ट. अभी अगर आप देखते हो तो फेब्रुअरी 20, 1947 जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो टाइम के क्लेमेंट एटली, इन्होंने क्या बोला था, ब्रिटिश रूल जो है वो 30 जून 1948 में एंड होगा एंड पावर ट्रांसफर विल बी गिवन टू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. लेकिन यही ड्यूरेशन में मुस्लिम लीग जो है उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात करना स्टार्ट किया, पार्टीशन के बारे में ये लोग बात कर रहे थे. जून 3, 1947 में एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
नॉट वैलिड टू दोज पार्ट ऑफ अ कंट्री अनविलिंग टू एक्सेप्ट. तो जून 3, 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, लेकिन अपने देश में हमें पता है कि बहुत सारे से छोटे मोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थे, अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है तो फिर वो नहीं होगा. जून 3, 1947 माउंटबेटन ने एक प्लान लेके आए जिसके हिसाब से पार्टीशन की प्रोसीजर जो ऑलमोस्ट फाइनल की गई. अभी आप हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से है. इंडिया को एक प्रोविंस इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा मिला, तो दो स्टेट्स बने, एक आपका इंडिया बना, दूसरा आपका पाकिस्तान बना. एंड दे हैड राइट टू सीसेट फ्रॉम अ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. सीसेट का मतलब होता है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो बनाई गई थी उसमें से ये बाहर निकल सकते थे. अबोलिश्ड ऑफिस ऑफ अ वॉइसरॉय एंड गवर्नर जनरल, ये पोस्ट आई अपॉइंटेड बाय अ ब्रिटिश किंग टू एडवाइज डोमिनियन कैबिनेट, है ना. तो डायरेक्टली ब्रिटिश जो है वो भाग के नहीं जा सकते थे कि चलो आप अपना देख लो अभी, है ना. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, जो ब्रिटिश किंग ने एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था जो अपना जो एक कैबिनेट है उसको एडवाइस करेगा. टू नेशंस ये अपने ओन कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे और इसमें इंडिपेंडेंट एक्ट जो बनाया गया था इसको वो रख सकते थे या निकाल के फेंक सकते थे, उनके हिसाब से वो डिसीजन ले सकते थे. एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ बोथ डोमिनियंस टू लेजिस्लेट फॉर देयर टेरिटरीज. Abolished office of a secretary of a state for the India. तो जो secretary वाला office था उसको हटा दिया गया. Transfer secretary of state for a commonwealth affairs. तो इसको transfer कर दिया गया. Lapse of a British paramountcy. तो जो overall British का control था इसको अभी हटाने के बारे में ये हो गया final. Freedom of a Indian princely states. तो princely states के बारे में एक बेहतरीन case study है, आप YouTube पे जाके देख सकते हो कि कैसे वल्लभ भाई पटेल जी ने एक बहुत बड़ा काम किया, उनके वजह से हमारा जो इंडिया आज का प्रेजेंट है वो इतना ब्यूटीफुल है. अगर उन्होंने वो टाइम पे प्रॉपर एक्शंस नहीं लिए होते तो बहुत सारे छोटे छोटे देश आज हो सकते थे. तो फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट, तो इनको एक अधिकार दे दिया गया था कि लाइक आप डोमिनियन ऑफ इंडिया में रह सकते हो या फिर आप पाकिस्तान में जा सकते हो या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो. तो मान लो कोई भी अगर एक प्रिंसली स्टेट है वहां का एक राजा है तो डेफिनेटली वो सेपरेट रहने के बारे में बात करेगा, है कि नहीं. वो थोड़ी चाहेगा कि मतलब कोई दूसरा देश उसके ऊपर कंट्रोल करे या, है ना. तो हैदराबाद, जूनागढ़ और जो जम्मू कश्मीर है उनको इंडिया में लेके आने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, लेकिन फाइनली हम लोग ने कर दिया. प्रोवाइडेड गवर्नेंस फॉर ईच डोमिनियन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. लेकिन ये जो प्रोविजंस है उसको वो दोनों कंट्रीज मॉडिफाई कर सकते थे. डिप्रिव्ड ब्रिटिश मोनार्क राइट टू वेटो बिल्स, रिजर्वेशन फॉर सर्टन बिल्स, बट इट वॉज रिजर्व फॉर गवर्नर जनरल. तो फुल पावर्स टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मेजेस्टी. तो ऐसे कुछ प्रोविजंस थे. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविजनल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ अ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर ऑन ऑल मैटर्स. तो सर्टनली अगर पावर अभी इंडिया के पास आने वाली है तो जितने भी मेंबर्स थे उनका तो सुनना पड़ेगा. ड्रॉप टाइटल दैट इज एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है. डिसकंटिन्यूड अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ अ पोस्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया. बट 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं वो कंटिन्यू कर सकते थे. सो दे कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स एंटाइटल्ड टू देम टिल दैट टाइम. अभी सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया ये कौन थे. तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन. असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म इन 1946 पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन. मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस है ना वो 14 अगस्त को होता है और अपना 15 अगस्त को होता है ना इंडिपेंडेंट डे. तो मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों, एक दिन पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस वाली जो सेरेमनी थी ना उसमें माउंट बैटन जो थे उनको प्रेजेंट रहना जरूरी था. तो 14 तारीख को वो वहां पे थे और 15 तारीख को वो हमारे पास आए, इसके लिए फिर वो एक डेट पहले उनका है और एक डेट हमारा है. तो बहुत सारी बाउंड्री से रिलेटेड इश्यूज थे. तो बाउंड्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान जिसको रेडक्लिफ आप बोल सकते हो, इंडिया चाइना को क्या बोलते हैं, है ना. आप थोड़ा सा सर्च करोगे ये गूगल पे आपको इसका मैप मिल जाएगा. वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलबेट इन आसाम,
सो यहाँ पे बहुत सारी जो ऐसी चीजें थी वो पाकिस्तान को दे दी गई, तो एक वेस्ट पाकिस्तान बना, एक ईस्ट पाकिस्तान बना। ली कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया 1923-1924 में बनाया गया था। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए, अगर पता है तो अच्छा है। तो ये था आपका एक कंप्लीट लेक्चर अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आपको सही ढंग से पता है, या ओवरऑल जितना भी हमने डिस्कस किया अगर वो भी आपको सही ढंग से पता है, तो जो ओवरऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या भारत का संविधान है वो पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। क्योंकि ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्टली आप रैंडमली कुछ पढ़ रहे हो, क्योंकि पिछले 150 साल 200 साल की अगर एक ओवरऑल हिस्ट्री हमें पता होता है ना, ये मेजर हम लोग ने पढ़ा है, इसमें जितना भी हमने पढ़ा है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टेट सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग ने ये चीजों को कवर करने की कोशिश की है। हमने इसमें यह चीज का डेफिनेटली ख्याल रखा है कि इसके ऊपर अगर कोई एमसीक्यू आता है तो वो हमारा करेक्ट आया। दूसरा, मुख्य परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके इतना जो मैंने अभी आपको सिखाया उससे आपके इजिली सॉल्व हो जाएंगे, 100% एश्योरेंस। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी हो, मुख्य परीक्षा की भी हो, स्टेट सर्विसेज की क्वेश्चन हो, इतना डेटा जो मैंने आपको दिया इससे आपके बन जाएंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको ये जो कंटेंट है उससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। यहाँ पे मेजरली ऐसी चीजें रखी गई है जो आप इजिली ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम देने जब आप जाओगे तो लाइक टेक्स्ट बुक लैंग्वेज आप ध्यान में नहीं रख पाओगे, तो अगर एक सही ढंग का नोट्स अगर आपके पास है तो आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। सो आई होप आज का जो पूरा वीडियो है या पूरा जो हम लोग ने डिस्कशन किया है वो आपको सही ढंग से पता चल चुका है या सही ढंग से आप सीख चुके हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है ना, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताओ। तो इसमें अगर लेक्चर में अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो भी आपके सजेशंस के ऊपर मैं डेफिनेटली काम करने की कोशिश करूंगा। ऐसे नोट्स मेरे पास बहुत सारे हैं पॉलिटी के, तो लाइक लक्ष्मीकांत के प्रॉपर नोट्स में बना चुका हूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये जो हैंड रिटन नोट्स वाला पार्ट है वो मैं आपको सही ढंग से वापस दूसरे जो चैप्टर्स हम लोग लेने वाले हैं उसमें सही ढंग से हम लोग ये चीजें और कवर करेंगे। अभी इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो पहले आप इतना तो डाइजेस्ट करो। दूसरी रिक्वेस्ट मेरे ये होगी कि जितना भी मैंने सिखाया है ना वो आप कथा की तरह मत सुनो। आपने पढ़ा, आपने अंडरस्टैंड किया, इसमें से ना कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं अगर समझ रहे, मान लो आप वर्नेक्युलर मीडियम से थे, आप कोई एक लोकल लैंग्वेज स्कूल टाइम में सीखे हो, उसमें ही आपका लाइक 10th स्टैंडर्ड का 12th स्टैंडर्ड का पढ़ाई हुआ है, या ग्रेजुएशन आप लोकल लैंग्वेज में कर चुके हो, तो इंग्लिश अगर आपको नहीं समझ रहा है ना तो क्या करना, आप एक ना नोटबुक बनाओ जिसमें जो वर्ड्स आपको नहीं समझ रहे ना वो आप लिखो गूगल पे, उसका मीनिंग निकालो, हिंदी में लो, मराठी में लो, इंग्लिश में लो, जो भी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताने की कोशिश तो की है, लेकिन अगर आपको स्टिल उसमें कुछ दिक्कत है आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो वर्ड्स की, सो दैट आपको फायदा होगा। तीसरी बात यह है कि जितना भी मैंने सिखाया है ना आप एक सेपरेट कॉपी बनाओ, उसके ऊपर सारी चीजें लिखने की कोशिश करो। देखो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखते हो तो ये जो चैप्टर है वो 10-11 पेजेस का है, और जो छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा है अगर आप लक्ष्मीकांत देखते हो तो, है ना, या फिर दूसरे भी कोई रेफरेंस बुक आप पढ़ना पसंद करते हो तो छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा है। ये जो मैंने पूरा सिखाया है ना ये 5 पेज में खत्म हो गया, समझ रहे हो आप, मतलब रिविजन जब भी आपको करने हो तो ये 4-5 पेज में ही हो जाएगा आपका। और लिखना कैसे है, मैंने देखो कॉलम वाइज लिखा है, उस तरह से आप लिखोगे। दूसरा, आपको ब्लैंक पेजेस के ऊपर लिखना है, अभी आप वो लाइन वाला पेज यूज नहीं करोगे, ब्लैंक पेजेस के ऊपर इसलिए लिखना है क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपको ब्लैंक पेजेस के ऊपर ही लिखना है। और ये कॉलम वाला सीन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा पूरा लिखा होता ना पूरे पेज के ऊपर तो उसको पढ़ना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारा जो आय होता है ना उसका एक रेंज होता है, अगर मैंने पूरा लिखा है ना तो वो पढ़ने में ज्यादा दिक्कत होगी। आपने एक चीज देखो, न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़पेपर जितने भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो कॉलम आते हैं, उसके कॉलम में लिखते हैं, अगर इमेजिन करो उन्होंने अगर पूरा ऐसा कवर करके लिखने की कोशिश की तो आपकी हालत क्या होगी, कभी पढ़ नहीं पाओगे न्यूज़पेपर को। तो कॉलम फॉर्मेट में पढ़ना बहुत आसान होता है, तो जितने भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स होते हैं या जितनी भी बड़ी किताबें होती है ना वो आपको कॉलम फॉर्मेट में दिखाई देती है, क्योंकि उसको स्टडी करना, उसके नोट्स निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझा है, मैंने जो टिप्स आपको दिए वो आप सही ढंग से फॉलो करोगे, इसको सिर्फ कथा की तरह मत सुनना, अपने नोटबुक में इसको कॉपी कर लेना, इट विल टेक हार्डली 45 मिनट्स to 1 आवर, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आपको कुछ डाउट है ये वीडियो वापस आप सुनो, मैंने इसको बहुत लो लैंग्वेज में या सिंप्लीफाइड वर्जन में करने की कोशिश तो की है, कोई दिक्कत है तो आप अपना जो कॉपी आपने बनाया जिसके ऊपर आप
ने जो डिक्शनरी बनाई है खुद की, उसमें आप वर्ड्स देखो, वापस रिपीटेडली सुनो, कुछ डाउट है सर्टनली कमेंट सेक्शन में बताओ, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपके डाउट्स डेफिनेटली सॉल्व किए जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमें देखने राइट नाउ. अगर आपके पास कोई भी किताब है जिसमें आपके पास प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज है, अगर आप लक्ष्मीकांत यूज करते हो, अगर आपके पास वो है, तो ये चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, आज ही करो, कल नहीं, आज ही. जिस दिन आप वीडियो देखोगे उसी दिन ये वीडियो खत्म होने के बाद, नोट्स खत्म होने के बाद, रिवाइज होने के बाद इमीडिएटली क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्यूरेसी आपकी बेस्ट आ जाएगी. ठीक है ना, दैट इज द ओनली वे टू सिक्योर अ गुड रैंक एंड टू क्लियर द एग्जाम. Thanks a lot. Keep watching.